हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 देख रहे हैं बच्चों, और लास्ट लेक्चर्स में हमने लॉ ऑफ सप्लाई अलोंग विद अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस बहुत डिटेल में समझा है बच्चों। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। बच्चों, आई होप आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंटेंसी के लेक्चर्स भी देख रहे हैं। अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th इज अवेलेबल ऑन द चैनल। सारे लेक्चर्स मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं, सो इट इज इजियर फॉर यू ऑल टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर लेक्चर। एंश्योर दैट यू ऑल मेक द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स बाय स्प्रेडिंग द वर्ड विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई। जैसे डिमांड में देखा था बच्चों हमने वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड, ठीक उसी तरह देयर इज वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पे है वेरिएशंस इन सप्लाई। लेट अस रीड। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई। मतलब अगर सिर्फ प्राइस चेंज हो गई, इसके वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हम उसे बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। जो अदर फैक्टर्स है, मतलब जो अदर डिटरमिनेंट्स है सप्लाई के, वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो वेरिएशन इन सप्लाई के दो टाइप्स है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेट अस रीड एक्सपेंशन का क्या मतलब है। एक्सपेंशन सप्लाई रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन द प्राइस। क्वांटिटी अगर सप्लाई ज्यादा हो गई, मतलब ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। Expansion in supply leads to an upward movement on the same supply curve due to a rise in price. मतलब जब प्राइस बढ़ जाती है तो एक्सपेंशन हुआ, इसका मतलब एक अपवर्ड मूवमेंट होता है सेम सप्लाई कर्व में, सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है। लेट अस सी, यहां पे जब ओरिजिनल प्राइस थी P, तब ओरिजिनल क्वांटिटी थी Q. अब जब ओरिजिनल प्राइस बढ़ गई पी से पी वन हो गई, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू वन हो गई। तो अगर हम ये दोनों को प्लॉट करके एक कर्व बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे नजर आएगा बच्चों दैट देयर इज एन अपवर्ड शिफ्ट ऑन द सेम डिमांड कर्व। क्या हो गया, बिकॉज प्राइस बढ़ गई क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। ओके, याद रखिए बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस रीड इन फिगर 4.6, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन। ओरिजिनल था ये ओ क्यू, अब हो गया है ओ क्यू वन विद अ राइज इन प्राइस फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन। पहला प्राइस ये था और अब प्राइस ये है, राइट, resulting in an upward movement from M to N along the same supply curve. Upward movement हो गया है, जिसे हम बोलेंगे M to N वाला जो movement है, this is expansion in supply. ठीक है, ठीक इसका opposite होगा contraction of supply. Let us read. Contraction of supply refers to a fall in the quantity supplied due to a fall in the price. Other factors remaining constant. In case of contraction of supply, there is a downward movement on the same supply curve. देखिए यहाँ पे original price थी OP, तब original quantity था OQ, right? अब original price जो है वो कम हो गई, price अभी OP2 है, तो जो quantity है वो भी कम हो जाएगा, that is OQ2. यहाँ पे हमने देखा है there is a downward shift from N to M. इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सी लेट अस रीड, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ2 विद अ फॉल इन द प्राइस रिजल्टिंग इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम N टू M ऑन द सेम सप्लाई कर्व व्हिच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन क्या है बच्चों, अदर फैक्टर्स जब कॉन्स्टेंट है लेकिन सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाती है तो हम बोलेंगे देयर इज अ वेरिएशन इन सप्लाई। और ये जो वेरिएशन होता है तो सेम डिमांड कर्व पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है।
ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेस इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई. मतलब यहाँ पे अभी प्राइस कॉन्स्टेंट है लेकिन जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के, किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया जिसके वजह से क्वांटिटी सप्लाइड पे असर होगा तो हम बोलेंगे दिस इज अ चेंज इन सप्लाई. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सच एज फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, फॉल इन टैक्स रेट्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एटसेट्रा व्हाइल प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ये याद रखना है बच्चों, यहाँ पे प्राइस कॉन्स्टेंट है, बाकी के फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज हो गया बिकॉज ऑफ विच सप्लाई इंक्रीज हो गया. द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे है और प्राइस वाई एक्सिस पे है. ये देखो प्राइस कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, पी है प्राइस, लेकिन पहले हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो ओक्यू था, लेकिन बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स अब सेम प्राइस पे हम ओक्यू वन सप्लाई कर रहे हैं. तो क्या हो गया, डिमांड कर्व ही पूरा चेंज हो गया. पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, अब वो शिफ्ट हो गया राइट में और ये मेरा डिमांड कर्व है. सो व्हाट हैपेंस इन इंक्रीज इन सप्लाई, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. सी सप्लाई राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 एट द सेम प्राइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्टिंग इन एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व फ्रॉम SS टू S1 S1 एंड दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई ठीक इसका ऑपोजिट होगा. लेट अस रीड. Decrease in supply refers to fall in the supply of a given commodity due to unfavorable changes. ऐसे कोई changes हो गए जो favorable नहीं है जिसके वजह से मेरा supply impact हो जाता है. Price constant है लेकिन कोई unfavorable changes के वजह से मेरा supply कम हो गया तो हम बोलेंगे this is decrease in supply. क्या चीजें हो सकती है देखो, increase in the prices of inputs, इंक्रीज इन टैक्स रेट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स एटसेट्रा. द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व. जब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है तो हम उसे डिक्रीज बोलेंगे और जब राइट में शिफ्ट हो जाता है हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई. लेट अस सी दिस कर्व. ओरिजिनल प्राइस मेरी पी है और देयर इज नो चेंज इन द प्राइस. पहले मेरा क्वांटिटी था ओक्यू, अब अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से क्वांटिटी कम हो गई तो ओक्यू टू हो गया. सो नाउ व्हेन आई प्लॉट द कर्व्स, यहां पे मैं देखती हूं SS मेरा ओरिजिनल कर्व है एंड दिस S1 S2 इज द शिफ्ट इन द कर्व जो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया बिकॉज प्राइस तो कांस्टेंट है बट क्वांटिटी चेंज हो गई. ओके, वेयर द प्राइस एंड द क्वांटिटी आर इंटरसेक्टिंग दैट विल बी माई कर्व. ठीक है, तो डिक्रीज में क्या हो रहा है बच्चों देखो, सप्लाई फॉल्स फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू टू एट द सेम प्राइस रिजल्टिंग इन एन इनवर्ड शिफ्ट टू द ओरिजिनल सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट फ्रॉम SS टू S2 S2. दिस इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई. तो डिक्रीज मतलब क्या, देर इज अ शिफ्ट टू द लेफ्ट, या इसे हम बोलेंगे देर इज एन इनवर्ड शिफ्ट. ओके, देखिए दो वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया या फिर इनवर्ड शिफ्ट हो गया तो हम बोलेंगे डिक्रीज. और अगर राइट में कर्व शिफ्ट हो गया या फिर आउटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं तो हम इसे बोलेंगे इंक्रीज. गेटिंग इट, प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस कांस्टेंट होती है और बाकी के डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो जाता है जिसके वजह से सप्लाई इफेक्ट होता है. और जहां प्राइस में चेंज हो गया तो वो हो जाता है वेरिएशन इन सप्लाई. आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, वेरिएशन इन डिमांड एंड वेरिएशन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ये बहुत सिमिलर है बच्चों. आई होप यहां तक अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों. योर कमेंट्स ट्रूली मेक माई डे. एंड जाते जाते आपके उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करना जिसे लॉ ऑफ सप्लाई डिफिकल्ट लगता है. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.